वो कौरवों के बीच गए, संदेशा लेके, आखिरी संदेशा, वहां पे भी उनकी भाषा देखिएगा आप, महाभारत अगर सीरीज देखिए तो भाषा देखिएगा, दुश्मन से भी इस तरह से बात कर रहे थे जैसे लगता था गुरु जी से बात कर रहे हैं, ये भाषा की मर्यादा। लेकिन आज ये वही श्याम की धरती है, ये वही पुरुषोत्तम राम की धरती है, जहां लोग तहजीब भूल गए कि यार बात करना कैसा चाहिए। ये वही पुरुषोत्तम राम थे जिनके अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेनी थी ना, तो रावण के पैताने बैठे थे कि ये शिक्षा लेना है तो उसके पास झुकना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आज हम लोग भूल गए हैं कि हमें बात कर, बात में तो इतना आजकल वो तहजीब ही नहीं रह गया है कि इतना रफ बोल दो कि दुश्मन किसी से पूछा, एक लड़का पूछा तुम्हारा क्या हाल है, तू कर खराब है ठीक कर दोगे, जब हाल है भाई। आप सबकी जिंदगी में कुछ कठिनाइयां आएंगी, ठोकरे लगेंगे, लेकिन ठोकर खा के संभलना भी जरूरी है। ठोकरे खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, राह के पत्थर तो अपना फर्ज अदा कर चुके। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी जब स्थापना हुई थी तो एक साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे, कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है और इसने तो फिजिक्स को उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला, भाई साहब ठंडा मतलब वो होता है जिसका टेम्परेचर कम हो, लेकिन इतना बिका कि इसके आगे लोग भूल गए कि ठंडा मतलब कोको कोला नहीं होता, ठंडा मतलब वो चीज जिसका टेम्परेचर